नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सभा। देखिए, बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। एक और राजद और कांग्रेस ये कह रही है कि स्मार्ट मीटर जो है दुगना बिल दे रहा है, स्मार्ट मीटर को खार फेंकेंगे, स्मार्ट मीटर को लेकर आंदोलन करेंगे। तो दूसरी ओर इन सभी बातों को लेकर के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ बता दिया कि जगदानंद सिंह जो ये बातें कह रहे थे, उनके घर पर भी, उनकी बहू और बेटे के घर पर भी स्मार्ट मीटर लगा है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि स्मार्ट मीटर लगने का काम बिहार में नहीं रुकने वाला है। इससे लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है और स्मार्ट मीटर अब तक काफ़ी हद तक घरों में लगा दिए गए हैं और जो आंकड़े अभी बचे हुए हैं, 50% का जो आंकड़ा अभी बचा हुआ है, उसे भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। जल्द ही सभी जगहों पर स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे, सभी क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। वहीं अब आपको बता दें कि अब सियासी संग्राम जो है स्मार्ट मीटर को लेकर छिड़ चुका है। ऐसे में अब एक और जहां राजद और कांग्रेस स्मार्ट मीटर को लेकर के विरोध कर रही है, तो दूसरी ओर सरकार द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया है कि स्मार्ट मीटर का काम नहीं रुकने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद फायदे क्या हुए हैं और इसी के साथ ऊर्जा मंत्री ने और क्या कुछ बताया है। इसी के साथ आपको बता दें कि एक सवाल और इस वक्त लोगों के जहन में चल रहा है, क्या बिहार में बिजली फ्री मिलेगी। बता दें कि इस पर भी ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने सब कुछ साफ कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में उपभोक्ताओं को भारी रियायती दरों पर बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हम राज्य में उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली नहीं दे सकते, हम पिछले कई सालों से इस पर कायम हैं, हम पहले से ही उपभोक्ताओं को भारी अनुदानित दरों पर बिजली दे रहे हैं।